वेलकम टू जेसी शो। धन्यवाद सर। आप हाईली पॉपुलर व्यक्ति हैं क्रिकेट में, पॉलिटिक्स में, हाउ यू ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द टू? देखिए, क्रिकेट देश का बहुत लोकप्रिय खेल है और वहीं दूसरी ओर राजनीति के माध्यम से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप देश के किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए काम कर सकते हैं। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 6 वर्षों से लगातार मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी और अमित भाई शाह के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला जो भाजपा के इतिहास में अब तक किसी को नहीं मिला है। अपना सौभाग्य समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल और उसके युवा वर्ग का, युवा विंग का अध्यक्ष होना। जब दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत के युवा की ओर देख रही है, मुझे वहाँ पर काम करने का अवसर मिला और शायद यही युवाओं से जुड़ने का एक मौका मिला है। और दूसरी ओर क्रिकेट जो बहुत लोकप्रिय खेल, करोड़ों नहीं अरबों लोग उसको देखते हैं और उसके माध्यम से भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कह लीजिए, लोकप्रिय कह लीजिए, सबसे अच्छा काम करने वाला क्रिकेट बोर्ड, उसका अध्यक्ष मात्र 41 वर्ष की आयु में बनने का अवसर मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सुनील गावस्कर ने कहा है कि आपके लिए कहा है कि अच्छे व्यक्ति हैं, कैपेबल हैं, नेताओं से, खिलाड़ियों से अच्छा संपर्क है, क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे लीजेंडरी लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तो कैसा महसूस होता है? सुनील गावस्कर जी हमारे लिए सदा आदर्श रहे, भारत के लिए बहुत अच्छा खेले और लगातार भारत के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहे। जब मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वाइस चेयरमैन भी था तब गावस्कर वहाँ पर हमारे चेयरमैन हुआ करते थे और बहुत उस समय बहुत कुछ सीखने को मिला और शायद उन्होंने कई वर्षों में काम करते देखा है। मैं जब सन 2000 में 20-25 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बना तब अधिकतर मीडिया के लोगों ने लिखा कि जब 50 वर्षों में हिमाचल क्रिकेट में कुछ नहीं हुआ तो 25 साल का नौजवान क्या करेगा। पर हमने 25 वर्ष नहीं लिए जगदीश जी, हमने मात्र 5 वर्षों में हिमाचल की टीम जो कभी मैच नहीं जीतती थी उसको राष्ट्रीय विजेता रणजी ट्रॉफी की प्लेट ग्रुप में बनाया। हिमाचल में एक भी ग्राउंड अच्छा नहीं था, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम धर्मशाला में मात्र 2 वर्षों में बनाकर पाकिस्तान की टीम का मैच भी यहाँ करवाया। वाह। और पिछले 10 वर्षों में हमने हिमाचल में 6 नए ग्राउंड्स बनाए हैं और कई अकेडमीज का शुरुआत की है जिसका लाभ ये मिला है जो 50 वर्षों में हिमाचल से कोई हिंदुस्तान की टीम के लिए नहीं खेला, इन पिछले 3 वर्षों में ऋषि धवन, सुषमा वर्मा पुरुष और महिला की टीम के लिए भारत के लिए खेले हैं, जमीन पर अच्छा करके दिखाया, तो उससे प्रतिभा को लाभ मिला है। जिन लोगों में प्रतिभा है, हुनर है, उसको आगे बढ़ने का एक अवसर मिला है। युवा मोर्चा का चार्ज क्या रखेंगे या देंगे किसी? मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो गया, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहती है। नरेंद्र मोदी जी हिमाचल के प्रभारी थे और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके अनुभव का लाभ पार्टी को गुजरात में मिला और आज देश 125 करोड़ के देश में नरेंद्र मोदी जी इस देश की नई छवि बना रहे हैं। मुझे लगता है जमीन पर काम करते रहना चाहिए। पार्टी आपको कहाँ मौका दे दे आपको कोई पता नहीं, हर पल हर क्षण में कुछ सीखना चाहिए और वही सीखा हुआ काम कभी ना कभी जीवन में काम आता है। तो हिमाचल क्रिकेट का चार्ज रिटेन करेंगे या? मैंने पिछली भी अपनी बैठक में कहा कि अब बहुत वर्ष हो गए, हिमाचल क्रिकेट का मेरा एक सपना था जब मैं अध्यक्ष बना और आज आपसे मैं ये और आपके करोड़ों करोड़ों लोग जो आपको ईटीवी के माध्यम से देश में देखते हैं। देखिए, 25 साल के उम्र में मेरा एक सपना था कि हिमाचल क्रिकेट में क्या हो, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन हो, दूसरा हिमाचल के खिलाड़ी देश के लिए खेलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, और तीसरा यहाँ पर दुनिया भर के काम यहाँ पर हो, यहाँ पर उसके माध्यम से टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। आज मुझे खुशी इस बात की है, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम सबसे कम लागत में 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने धर्मशाला में आज बनाया है। IPL, T20, ODI, वनडे इंटरनेशनल मैचेस और यहाँ तक कि विश्व कप का आयोजन करके अब टेस्ट मैचेस कराने हम करने जा रहे हैं। दूसरा सपना था कोई खेले देश के लिए, तो 2 खिलाड़ी खेले हैं, आगे और खेलें ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अब हिमाचल की ग्राउंड के माध्यम से हमने दुनिया भर में पहचान बनाई है और वहाँ से टूरिज्म को बढ़ावा धर्मशाला में बहुत मिला है, हिमाचल को लाभ मिला है और हम लगातार इस दिशा में आगे काम करते रहे। 16 साल पहले जब क्रिकेट से जुड़े थे तो क्या सोचा था क्रिकेट में इस मुकाम पे पहुँचूंगा?
मेरा सदा सपना रहा, जब मैं 11 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी ने मुझे कहा, क्योंकि मेरे दादा फौजी थे, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें फौज में जाना है, मुझे सैनिक स्कूल में भर्ती करवाने के लिए। और बचपन में मेरे मन में क्रिकेट खेलने की इच्छा थी, मैं घर से भाग गया क्रिकेट खेलने के लिए। तो पिता प्रोफेसर थे, उनको लगा कि नहीं, बच्चे के मन में वो खेलने का है तो खेलने दो। और जब मैं पंजाब की अंडर 16, अंडर 19, नॉर्थ जोन अंडर 19 की टीम का कप्तान था, हम राष्ट्रीय विजेता रहे। मैं पंजाब की रणजी ट्रॉफी टीम का सदस्य रहा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का सदस्य रहा, राष्ट्रीय विजेता रहे। लेकिन 20 वर्ष की आयु में खेलना छोड़ना पड़ गया। जब 25 वर्ष की आयु में वापस क्रिकेट में आने का मौका मिला, तब भी ये नहीं सोचा था कि कभी इस मुकाम तक पहुंचूंगा, क्योंकि सपना पहले से था देश के लिए खेलूं। आज भी सपना कोई पद का नहीं है, आज भी सपना ये है कि हिमाचल की क्रिकेट को हम बुलंदियों पर कैसे ले जाएं, हिमाचल के खिलाड़ियों को देश की टीम में कैसे खिलाएं, और देश की क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाएं। और अगर देश की क्रिकेट ऊंचाइयों पर पहुंचेगी तो अपने फैन के बल पर, क्रिकेट प्रेमी के बल पर। और मुझे ये 18 महीने काम करने के मिले हैं, सितंबर 2018 तक का केवल 18 महीने का कार्यकाल। मुझे लगता है मुझे एक T20 मैच खेलने का अवसर मिला है, और इस T20 के मैच में एक सैकड़ा जमाना होगा, एक शतक जमाना होगा, और उसके लिए हम तैयार हैं। और विशेष तौर पर फैन के लिए हम करना चाहते हैं कि फैन जब ग्राउंड में जाए तो उसको लंबी कतार में ना खड़ा होना पड़े, उसको टिकट लेने के लिए कतार में ना खड़ा होना पड़े, शौचालय साफ सुथरे हों, टिकट सीट नंबर लगा हो। मुझे बहुत मीडिया के लोगों ने कहा सीट नंबर से क्या होगा, आप सच मानिए, आप 1000 रुपये का टिकट खरीद के जाइए, आप अपनी मेहनत की कमाई से जाते हैं, और वहाँ पर कोई और बैठा हो, सीट का नंबर ना हो और आपको खड़ा रहना पड़े, तो आपके मन पे क्या बीतेगी। हमने कहा हर सीट का नंबर हो, आपका अधिकार आपको मिले। ग्रीन स्टेडियम्स बनाने, नए सारे ग्रीन स्टेडियम्स, पुराने स्टेडियम्स को भी ग्रीन बनाएंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे, LED का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी ऑडिट करवाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट पानी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि दुनिया भर के हम लोग एक मिसाल पेश कर सकें, आने वाली पीढ़ियां कह सकें कि क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है, और क्रिकेट बोर्ड ने इसमें और सुधार लाने के लिए इसको केवल कंट्रोल करके नहीं रखा है, हमने इसके संरक्षक के रूप में काम किया है, कस्टोडियन के रूप में काम किया है। और हम यही चाहते हैं एज अ कस्टोडियन हम इस खेल का और विस्तार करें, फैंस के लिए और लोकप्रिय बनाएं, फैंस के साथ और इंटरैक्ट करें, उनसे जुड़ें। BCCI का पहला क्रिकेट कॉन्क्लेव किया हमने, एनुअल क्रिकेट कॉन्क्लेव, 88 वर्ष के इतिहास में। इन 4 दिनों में हम IPL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, कैप्टन कोचेस कॉन्क्लेव, ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट से क्या सीख सकते हैं, आगे सुधार क्या कर सकते हैं, और मीडिया मैनेजर्स केवल अरेंजमेंट करने के लिए ना हो, सुविधाएं देने के लिए नहीं, एंगेजमेंट करने के लिए, कि फैन के साथ वो एंगेज कैसे हो, तो हम उस पर प्रयास करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर, मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सबके माध्यम से, ताकि हर खेल प्रशंसक को, क्रिकेट प्रेमी को पता हो कि BCCI का अगला कदम क्या होगा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये केयर होना चाहिए। वाह, कि हम उनकी केयर कर सकें, कंट्रोल नहीं करना है हमें। पीपल से इट्स अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, किसने किया, अमित शाह, अरुण जेटली? BCCI के 30 सदस्य हैं जो वोट करते हैं, और इन्हीं सदस्यों ने मुझे सचिव चुना था मात्र एक वोट के अंतर से, और इन्हीं लोगों ने 9 महीने के बाद या 1 वर्ष के बाद मुझे सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष चुना है। तो मैं सभी BCCI के सदस्यों का आभारी हूँ। जहाँ तक अरुण जेटली जी, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी की बात है, वो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, खेल से जुड़े रहे हैं, वो समझते हैं कि मैंने पिछले 16 वर्षों में जमीन पे काम किया है। Yes. पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को एक उदाहरण के रूप में पेश किया है। आज दुनिया हिमाचल क्रिकेट की ओर देखती है कि कम लागत में स्टेडियम एक जगह नहीं, 5 जगह बनाना, 6 जगह बनाना, अकेडमी चलाना, एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा किया है। और शायद यही कामकाज का तरीका, जब आपके यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना हो, बड़ा एयरपोर्ट ना हो, 5-स्टार होटल ना हो, उसके बावजूद आप एक आकर्षण का केंद्र बने, ये अपने आप में कुछ ना कुछ किया, शायद यही कारण था कि सर्वसम्मति के साथ चुनाव हुआ। देश में, भारत में ज़्यादातर स्पोर्ट बॉडीज, क्रिकेट एसोसिएशंस पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन से हेड हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं, क्या कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि ये केवल स्पोर्ट्समैन ही इनको हेड करें? देखिए, मैं पूर्व खिलाड़ी हूँ, अनिल कुंबले पूर्व खिलाड़ी था, सौरभ गांगुली पूर्व खिलाड़ी है, अरशद अयूब, ब्रजेश पटेल, निरंजन शाह, MP पंड, सब लोग ही पूर्व खिलाड़ी हैं जो आज सचिव या अध्यक्ष बने हुए हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार आपका चुनाव होता है। मुझसे पहले के पूर्व खिलाड़ी नहीं थे, मैं पूर्व खिलाड़ी के रूप में हूँ। मेरी टीम में जो सिलेक्टर्स हैं सारे वो पूर्व खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई में सारे सिलेक्टर्स पूर्व खिलाड़ी हैं। क्रिकेट कमेटी में पूर्व खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी की भूमिका जहाँ है वहाँ खिलाड़ी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पर टेक्निकल काम आता है वहाँ भी खिलाड़ी हैं, टेक्निकल कमेटी से लेकर बाकी सब जगह तक सिलेक्शन तक। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक ओवरऑल बहुत बड़ा स्वरूप इसका है। आपको पैसा भी लाना है क्रिकेट में, आपको आधारभूत ढांचा भी बनाना है, आपको सरकार से भी कुछ काम करवाने हैं। तो केवल खिलाड़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो ये सच्चाई नहीं, खिलाड़ी अच्छा कोच हो ये सच्चाई नहीं। खिलाड़ी हो सकता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के कई और गुण होते हैं, वो किसी खिलाड़ी में भी हो सकते हैं, किसी फार्मर में भी, किसान में भी, किसी व्यापारी, किसी नेता में भी हो सकते हैं। और जब नेता देश चला सकते हैं तो खेल संघ भी चला सकते हैं, इसमें अंतर क्या है? भारत में क्रिकेट की इमेज एक वीआईपी गेम की बन के रहेगी, इसे आम आदमी तक कैसे पहुंचाएंगे, आम आदमी का खेल? देखिए, ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत एक धारणा है जगदीश। अगर ये खेल आम आदमी का खेल नहीं होता तो महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे से कमरे में रहने वाला हिंदुस्तान की टीम का इतना लंबा और सफल कप्तान नहीं होता, राइट? सबसे ज्यादा विश्व कप जिताने वाला नहीं होता। आज भी गांव से खिलाड़ी ज्यादा आ रहे हैं, टीयर टू सिटी से ज्यादा आ रहे हैं, शहरों से कम आ रहे हैं। और मैं एक नया सोच के साथ जा रहा हूं कि क्रीडाई जो संस्था है उसके पास रीच आउट करके उनको इन्वॉल्व करेंगे कि उनकी जितनी नई सोसाइटीज आएंगी उनमें क्रिकेट की इंडोर अकेडमीज, आउटडोर अकेडमीज, ग्राउंड्स, इन पे फोकस करें और बीसीसीआई इनको कोचिज उपलब्ध करवाए ताकि शहरों में भी अच्छे खिलाड़ी आए। गांव के गांव, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हम अकेडमीज बनाने जा रहे हैं, फोकस करने जा रहे हैं, और वहां पर जाकर पिछड़े क्षेत्र से खिलाड़ी आगे आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और ये खेल प्रेमी ही हैं जिन्होंने इस देश को इतना लोकप्रिय बनाया है। आप मेरे साथ किस दिन चलिए, मैंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करवाया T20 का। मैंने उसकी शुरुआत की किन्नौर जिला से, 12,000 फीट की हाइट से, रिकांगपियो से। आप विश्वास मानिए हजारों लोग वहां पर थे। पूरे रास्ते में छोटे छोटे खेतों में बांस का बना हुआ बैट और जुराब में कपड़ा भर के उसकी बॉल बनाकर उससे खेल रहे थे। तो ये वही क्रिकेट है जहां पर पूरी ग्राउंड भी नहीं है, बल्ला भी नहीं है, विकेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोकप्रिय है। ये इस खेल की विशेषता है। और कहीं ना कहीं इतने वर्षों में खेल प्रेमियों ने इसको और लोकप्रिय बनाया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्रिकेट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा कमेंट किया है कि आम आदमी की एंट्री कैसे हो ताकि ज्यादा धोनीज बने, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो देखिए अपने आप में ट्रांसपेरेंट कैसे हो प्रोसेस? अपने आप में इसमें दिखाता है कि जो पूर्व खिलाड़ी हैं, अच्छे दर्जे खेले हैं, वही केवल सिलेक्टर्स बनते हैं और पांच होते हैं, एक नहीं चयन करता। और लगातार अगर इंडियन टीम नंबर वन टेस्ट में, वन डे क्रिकेट में, T20 में रही, वन डे का विश्व कप जीता 2011 में, 2007 में T20 जीता है और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उससे पहले 1983 में जीता है, तो क्रिकेट में कुछ अच्छा और होगा, चयन अच्छा और होगा तभी जीत पा रहे हैं, नहीं तो आप नंबर वन कैसे बनते पूरी दुनिया में? आज हम केवल कमाई के माध्यम से नंबर वन नहीं है, हम क्रिकेट प्रेमी भी हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं, पैसा भी सबसे ज़्यादा है और मजबूत टीम और एक नेतृत्व भी हमारे पास अच्छा है, जिसके कारण हम लोग लगातार अच्छा करते रहे। मैंने सुना है पिछले एक महीने में आपने कई रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, कई इनिशिएटिव्स लिए हैं जी। ऐसा जिस तरह से मैंने कहा कि स्टेडियम पर सोलर पैनल्स लगाना, बिजली का कम उपयोग करना, नई अकेडमीज खोलना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, पानी के दुरुपयोग से बचना, सीवरेज ट्रीटमेंट वाटर से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक उसका इस्तेमाल करना, और अब मीडिया मैनेजर्स भी जैसे केवल अरेंजमेंट करने के लिए नहीं, एंगेजमेंट के लिए, जुड़ने के लिए काम करेंगे। और हम अपने फैन के साथ और जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए और सुविधाएं लाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्पेशली एबल्ड दिव्यांग कोई आता है तो उसके लिए रैंप बना हो, अलग एरिया चिन्हित हो, टेस्ट क्रिकेट को और लोकप्रिय बनाने के लिए कम से कम 10% टिकटें मुफ्त में दी जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए, दिव्यांग के लिए। उससे क्या लाभ होगा? लाखों ऐसे बच्चों को स्टेडियम में आने का अवसर मिलेगा जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। माई डेब्यू गेम के माध्यम से अगर कोई 12-13 साल का बच्चा चाहता है कि, या कोई 16 साल से कम का बच्चा कि मैं पहला मैच अपना देखने जा रहा हूं, तो उसके साथ उसके पिता के लिए फ्री टिकट देंगे, वो टेस्ट मैच देखने आ पाएगा,
वो क्रिकेट से जुड़ पाएगा और हम टेस्ट क्रिकेट को और लोकप्रिय बना पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप क्रिकेट का भारत में चेहरा बदलना चाहते हैं, तो अगले 18 महीनों के लिए क्या रोड मैप, विजन डॉक्यूमेंट, क्या प्लान दिमाग में है? मेरी केवल इतनी कोशिश रहेगी कि जिस हालात में मुझे क्रिकेट या क्रिकेट बोर्ड मिला था उससे कई गुना बेहतर मैं छोड़कर जाऊं एक लेगेसी के रूप में। जो भी रोज कदम उठाऊं, मेरा हर कदम भारतीय क्रिकेट के सुधार के लिए, भारतीय क्रिकेट के हित में उठे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हिमाचल के लिए क्या प्लान है, अपनी होम स्टेट? देखिए, हिमाचल का जो सपना था कि टेस्ट मैच कराने का, वो भी पूरा होने वाला है। विश्व कप आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि पहाड़ी राज्य में अभी भी हमारे 6 जिला ऐसे बचे हैं जहां पर मैं स्टेडियम नहीं बना कर दे सका। अगर सरकार भूमि देगी तो मैं अगले 2 वर्षों के अंदर चाहूँगा कि 6 और नए ग्राउंड, हर जिले में एक खेल मैदान, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी भारतीय टीम में खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें। एक आपने और इनिशिएटिव लिया, नॉर्थ ईस्ट में क्रिकेट डेवलप करना चाहते हैं, आप गए थे वहाँ, तो क्या माइंड में है? क्या मैं एक पहाड़ी राज्य से आता हूँ, पहाड़ों की मुश्किलें क्या है ये शायद समतल इलाकों में रहने वाले, मैदानी इलाकों में रहने वाले नहीं समझ सकते। पहाड़ों के ऊपर खेल मैदान बनाना अपने आप में चुनौती है, कम लोग आबादी, दूर से आना चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो है उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है कि आपके फिटनेस स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अभी जब मैं शिलोंग और दीमापुर, नागालैंड और मेघालय गया, तो मैंने उनके लिए 2 इंडोर क्रिकेट अकेडमीज का कहा और उनके लिए ग्राउंड्स बनाने की बात कही। 13 जुलाई को मैं शिलोंग जा रहा हूँ नींव पत्थर रखने के लिए। 1.5 महीने से कम समय के अंदर हम उनको नीम पत्थर रखकर अगले 1 साल से कम समय के अंदर अकेडमीज और ग्राउंड बनाकर समर्पित कर देंगे, और जैसे जैसे बाकी संस्थाएं आगे आएंगी, बोर्ड्स आगे आएंगे, हम उनको करते चले जाएंगे। बिहार जैसा राज्य है, आज से कई वर्ष पहले उसको भी एफिलिएशन दी गई, लेकिन आपसी टकराव के कारण वो पिछड़ गया। छत्तीसगढ़ उनके साथ जुड़ा, उसी समय उसको एफिलिएशन मिली। छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया तो हमने उनको फुल मेंबर बनाया। तो मुझे लगता है आपको फुल मेंबर बनने के लिए प्रयास, मेहनत करनी चाहिए, कमा कर लेना चाहिए, हाथ फैला कर नहीं, कमा कर लेना चाहिए, उसका मजा कुछ और है। आज छत्तीसगढ़ ने कमा कर लिया है, बिहार कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट के एसोसिएशन कर सकते हैं, पर हम नहीं चाहते कि वो मांगे। हम उनके लिए एक टूर्नामेंट करने जा रहे हैं एसोसिएट एफिलिएट्स का, उसमें से एक अच्छी टीम 15 खिलाड़ियों का चयन करेंगे, वो 15 खिलाड़ी फिर बाकी टीमों के साथ राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलेंगे, यानी कि उनको 2 टूर्नामेंट में मिलेंगे, बाकी खिलाड़ियों से ज़्यादा अवसर मिलेगा, और जो खिलाड़ी अच्छा करेंगे वो हिंदुस्तान की टीम के लिए खेलेंगे। तो कल को मेघालय हो, नागालैंड हो, सिक्किम हो, कोई संस्था हो या बिहार हो, जो अच्छा करेगी वो फुल मेंबर बन सकता है। अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि क्रिकेट कांट बी रन थ्रू जुडिशियल ऑर्डर्स, तो लोढ़ा कमेटी की ऐसी क्या रिकमेंडेशन इनसे आप अपोज कर रहे हैं उनको? देखिए, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मैं नहीं चाहूँगा कि एक एक विषय पर उस पर टिप्पणी करूँ, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपके सुझाव के कारण क्रिकेट वापस 1980 के दशक में चला जाए। आज दुनिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर देखती है, जो हम कदम उठाते हैं उसको दुनिया उठाती है, और आज भारत के अंदर भी देखिए, IPL हमने शुरू की, ये लीग आज कुछ लोग कहते हैं जिनको केवल आलोचना करनी होती है कि IPL ने क्या दिया। साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं IPL ने क्या दिया। IPL ने क्रिकेट प्रेमियों को मनोरंजन दिया, IPL ने उभरते हुए खिलाड़ियों को नाम चमकाने का, बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का और कमाई करने का अवसर दिया, IPL ने एडवर्टाइजर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। IPL जब चलता है तो दुनिया देश भर में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होती, IPL जब चलता है तो TV चैनल पर कोई नया सीरियल लॉन्च नहीं होता, IPL ब्रॉडकास्टर के लिए एक कमाई का साधन और एक सबसे लंबी विंडो, या मैं कहूँ TV का सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट है तो IPL है, अगर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई लीग है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली लीग, तो IPL है। 3,000 करोड़ रुपये का इकोनॉमिक आउटपुट जो देश भर में होती है वो IPL के 2 महीने के समय होती, कौन ऐसा करता है जिससे आपके उभरते हुए खिलाड़ी, आपके अभी के करंट खिलाड़ी, आपके पूर्व के खिलाड़ी, उन तक को इससे लाभ मिलता है, और देश भर में हजारों लोगों को कमाई के साधन मिलते हैं।
उभरते हुए खिलाड़ी को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी के साथ खेलने का मौका मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट को क्लीन अप करना चाहता है, लेकिन क्रिकेट वाले जो लोग हैं आपसी मतभेद भुला के इस बाहरी संकट से निपटने के लिए एक हो गए हैं, क्योंकि BCCI में बाहरी हमलों को झेलने के समय एकजुट होने की अद्भुत क्षमता है, ऐसा कुछ फील है। मुझे लगता है अगर क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा नहीं किया होता तो दुनिया क्रिकेट बोर्ड की ओर नहीं देखती। हमने अच्छा किया है। किसी भी संस्था में कोई भी छोटी मोटी कमी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन क्या आप उसके लिए पूरा ही बदलाव कर देंगे? क्या मान लीजिए आपके चैनल में कोई एक रिपोर्टर गलत काम करता है तो आप अपना चैनल बंद कर देंगे, पूरी रिफॉर्म्स लेकर आ जाएंगे? क्या जुडिशियल सिस्टम में, पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, कहीं पर क्या ये सब बिल्कुल सब 100% फुल प्रूफ है? क्या इसमें कोई गलती नहीं होती? समय समय पर रिफॉर्म्स बदलाव आते हैं और क्रिकेट बोर्ड ने सबसे ज़्यादा बदलाव लेकर आए हैं। CEO, CFO से लेकर जनरल मैनेजर से लेकर सबका हमने समय समय पर उनको नियुक्त किया गया है और लगातार अच्छा काम करने के कारण ही बाकी जो खेल संस्थाएं हमारी ओर देखती हैं। हम भारत सरकार से एक रुपया नहीं लेते, हम भारत सरकार को या बाकी ओवरऑल समाज के लिए बहुत कुछ करके देते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोकप्रिय हैं तो आपकी आलोचना होना स्वाभाविक है और आलोचना होनी भी चाहिए। लेकिन आलोचनाओं के दौर में आप केवल आलोचना करने तक सीमित ना रह जाइए, जो अच्छा काम किया वो भी दिखना चाहिए और अच्छा काम करने वाले की थोड़ी पीठ थपथपा देनी चाहिए। हाउ यू इवैल्यूएट ललित मोदी फैक्टर इन इंडियन क्रिकेट? मुझे लगता है उनके कई सुझाव अच्छे थे, लेकिन बहुत सारी खामियां भी थी जिसके कारण नुकसान उनको भी हुआ, भारतीय क्रिकेट को भी हुआ। वो एक दौर था जो चला गया, हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। Don't you think he was a brilliant business mind in cricket to turn on the economy of IPL and that? देखिए, मैंने कहा कि सुझाव अच्छे थे, माइंड होना एक अलग बात है, लेकिन केवल हम यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ खेल प्रेमियों का बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है और हम उसको निभाने के लिए यहाँ पर हैं। केवल पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, खेल और लोकप्रिय कैसे हो, खिलाड़ी को और सुविधाएं कैसे मिले, खिलाड़ी की और लोकप्रियता, खेल की और लोकप्रियता कैसे बढ़े। केवल पैसा 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 ये हमें नहीं चाहिए। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रिकेट केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का है। और ये जो कंट्रोल आता है बीच में, मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। मैं इसको केयर के रूप में देखना चाहता हूँ, एक कस्टोडियन, एक संरक्षक के रूप में देखना चाहता हूँ। राजस्थान में अभी BCCI का बैन है, क्रिकेट कैसे रेस्टोर होगी राजस्थान में? हमने वहाँ के खिलाड़ियों को कहीं रुकने नहीं दिया, वो सारे टूर्नामेंट्स में BCCI के भाग लिया है। लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ये समझना पड़ेगा, अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया गया है तो उस व्यक्ति को उस संस्था का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। और BCCI के नियमों के अनुसार आप अगर फिर भी वही करते हैं तो हमारे पास कोई और चारा नहीं रहता, क्योंकि आप मीडिया हमें चाहता है कि हम छवि साफ सुथरी रखें। अगर छवि साफ सुथरी रखनी होगी तो कठोर कदम उठाने होंगे। एक लंबी इंक्वायरी करने के बाद अरुण जेटली जी की कमेटी ने यह निर्णय लिया था, BCCI ने निर्णय लिया, सर्वसम्मति से के साथ लिया। अब उसके बाद भी अगर उस पर बैक आप वापस चलें तो मुझे लगता है उसे ठीक नहीं होगा। आपसे पहले उन्होंने, कोई व्यक्ति क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता, खेल सबसे बड़ी है। एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है मैच फिक्सिंग को रोकने की, इफेक्टिवली उस पर कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो जनता को अंतर समझना पड़ेगा कि बैटिंग अलग है, मैच फिक्सिंग अलग है। बैटिंग यानी कि सट्टा, ये बारिश पर भी लगता है, चुनाव पर भी लगता है, मुर्गों की लड़ाई पर भी लगता है, हर जगह सट्टा लगता है। सट्टे पर कानून भी है और सरकारों को, राज्य की सरकारों को उस पर कार्रवाई करनी होती है, और मैं आशा करता हूँ सभी राज्यों की सरकारें उस पर कार्रवाई करेंगी। जहाँ तक मैच फिक्सिंग है, बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई खिलाड़ी अपनी क्षमता से नीचे खेलता है और किसी के निर्णय को प्रभावित करने के लिए उस मैच को फिक्स करता है तो बहुत गलत बात है। और BCCI एक ऐसी संस्था है जिसने लगातार कठोर कदम उन खिलाड़ियों के खिलाफ उठाए हैं जिनके खिलाफ थोड़ा सा भी सबूत आया, हमने उनको लाइफ लाइफ के लिए बैन किया है।
लेकिन इसके साथ आपको ये सोचना पड़ेगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम इसको रोकें कैसे? रोकने के लिए हमने बीसीसीआई में एक एजुकेशन पॉलिसी चलाई है, जहां पर हमारा एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट लगातार काम करता है, राज्य की रणजी ट्रॉफी टीम्स और जूनियर टीम से लेकर आईपीएल की टीम के साथ उनको बताता है, किसी व्यक्ति को आपको अप्रोच करता है तो फटाफट एंटी करप्शन को बताइए, आप किसी गलत व्यक्ति से मत मिलिए, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध या महिला से संबंध मत बनाइए जिसको आप हनी ट्रैप भी कहते हैं, आप कहीं ऐसे मत करिए जहां बच सके। तो हम उनको एजुकेट करें। आप देखिए हिकिन शाह का मामला, पिछले आईपीएस सीजन से पहले किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया तो उस खिलाड़ी ने फटाफट कहा कि मेरी टीम के एक व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया है और मुझे लगता है वो गलत काम कर रहा है। बीसीसीआई ने फटाफट इंक्वायरी कमेटी बैठाई, उसके खिलाफ कदम उठाया, उसको सस्पेंड किया है। और जैसे जैसे हमारे पास कई रिपोर्टिंग्स आती हैं, हम उस पर लगातार कार्रवाई करवाते हैं। सुना है 10 साल की सजा का कोई प्रावधान कर रहे हैं, कोई कानून ला रहे हैं ऐसा? मैंने एक सांसद होने के नाते सुझाव दिया है, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया था, कि अगर खेलों की छवि को सुधारना है तो थोड़ा डर पैदा होना चाहिए, कड़ा कानून होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है जगदीश जी, निर्भया रेप केस के मामले में पूरा देश सड़कों पर था, हम जैसे युवा आंदोलन कर रहे थे, कड़ा कानून हम जैसे सांसदों ने बना कर दिया, दिल्ली पुलिस ने फटाफट कार्रवाई की, उनको पकड़ लिया, लेकिन आज भी क्या हम इंसाफ दिला पाए हैं? क्या केवल कड़ा कानून बनाने से काम चल पाएगा? आई थिंक एनी लॉ इज एज गुड और एज बैड एज इट्स इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन इज द की, कि आप उसको इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हैं, उसको लागू कैसे कर पाते हैं, और यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका आती है। वाह, तो यहां धर्मशाला में इंडो पाक मैच में कब देखने आऊं? आप इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखने अक्टूबर में आइए, फरवरी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने आइए, वन डे और टेस्ट मैच, और हमारा जो प्रयास है टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ावा देने का, आप इस 9 महीने के कार्यकाल में देखिए, आप एक नई छवि देखेंगे कि किस तरह से फैन एक्सपीरियंस बदला है, किस तरह से टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। और मैं आपसे एक बात साझी करना चाहता हूं जो आज तक मैंने किससे की नहीं। मेरे मन में खटास होती थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अपने लिए ट्रेडिशन के नाम पर पूरा सीजन ब्लॉक करके रखते हैं कि ये तो हमारी ट्रेडिशन है, हम तो अब घर पे ही खेलेंगे, बॉक्सिंग डे मैच 26 दिसंबर को खेलेंगे, हम एशिज की सीरीज अब खेलेंगे, तो क्या भारतीय क्रिकेट फैन पीछे रह जाएगा? अगर भारत दुनिया की क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा देता है, सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रेमी भारत के पास हैं, तो मेरे भारत के क्रिकेट प्रेमी पीछे नहीं रहेंगे। मैं भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अगले 8 वर्षों तक एक डिफाइंड क्रिकेट सीजन देने वाला हूं कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक भारतीय टीम हिंदुस्तान में खेलेगी, मेरा दशहरा होगा, मेरी दिवाली होगी, मेरा पोंगल होगा, मेरी बैसाखी का समय आएगा, तो भारत में क्रिकेट होगी, 26 जनवरी होगा, 15 अगस्त के बाद जो बड़े दिन आएंगे, हम भारत में क्रिकेट खेलेंगे, अपने फैन के लिए खेलेंगे। अगर हम दुनिया को पैसा देते हैं, दुनिया को अच्छी टीम देते हैं, तो हम अपने दम पर यहां पर दुनिया को लाएंगे, दुनिया के पास जाएंगे नहीं, हम अपनी भूमिका दुनिया में निभाएंगे, दुनिया का भला करेंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमी के नुकसान के बल पर नहीं, उसको लाभ देने के लिए करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करेंगे, भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देंगे और आईपीएल की तरह और नए टूर्नामेंट्स लाएंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो। यूनिवर्सिटी की क्रिकेट खत्म हो गई थी साहब, मैं उसको एक नई क्रांति उसमें लाने की सोच रहा हूं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या, कुछ सुझाव हैं। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में और ताकत कैसे आए, कैसे ज्यादा दिखे, ज्यादा स्टार्स कैसे पैदा हो? हम एक साल में 928 मैच कराते हैं, 1900 प्लेइंग डेज, जिसका जिक्र कभी नहीं होता है, हम उसको दिखाना चाहते हैं दुनिया को, हम करते क्या हैं? जो अच्छी बातें बीसीसीआई की वो कभी नहीं दिखाई जाती, लेकिन जहां पर आलोचना, जहां कटाक्ष करना है, वो लगातार टिकता है। बिहार में क्या कंट्रोवर्सी है एसोसिएशन की? कहते हैं वहां 3-3 ग्रुप लड़ते हैं। अब एक तरफ से कोर्ट या जस्टिस लोधा की कमेटी ने कहा कि सभी को एक बराबर पैसा दो, अब मैंने पैसा दिया सिक्किम में, मैंने पैसा दिया नागालैंड में, मैंने पैसा दिया बिहार में, वो पैसे का आज तक कोई हिसाब नहीं आया। तो बचाइए साहब, जो क्रिकेट प्रेमी के नाम पर पैसा या क्रिकेट के लिए पैसा खर्च होना है, क्या हम उनको 50 लाख के बजाय 50 करोड़ देना शुरू कर दूं?
जब तक वो सुधार नहीं लाते, पारदर्शिता नहीं लाते, जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक कैसे हो पाएगा? अगर छत्तीसगढ़ ने अच्छा किया, हमने बनाया है, हिमाचल ने अच्छा किया तो उसको 30 वर्ष पहले मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप मिली थी, किसी ने गलत किया राजस्थान ने तो उसको सस्पेंड किया गया है। आखिरकार एक संस्था के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके मुताबिक वो काम करेगी, ये फंडामेंटल राइट है। आप मुझसे मेरा अधिकार कैसे छीन सकते हो? अगर इन 88 वर्षों में हमने अच्छा नहीं किया होता तो आज यहां पर बोर्ड खड़ा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि पिछले वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं, ये गलत धारणा है, क्योंकि आप बीसीसीआई के हर ऑफिस में नहीं गए। आप मेरे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के ऑफिस में आकर मुझसे किसी ने नहीं पूछा, बीसीसीआई के ऑफिस में आकर किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे क्रिकेट चलाते हो। अगर आपको सारी जानकारी नहीं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी केवल आलोचना करने का आपको अधिकार है, केवल आलोचकों की बात सुनकर आप अपना निर्णय दे दें, ये सही बात नहीं है। बिहार वाले कहते हैं कि 31 के 20 राज्यों को मान्यता देते हैं, 31 को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्या इशू? देखिए, जो कहते हैं उनको बिहार में भी उनको कोई पूछता नहीं है, और जिनको वहां नहीं पूछते उनको देश के मीडिया में थोड़ा स्थान मिलता है तो किसी को खुशी होती होगी, तो ठीक है, लेकिन वो अपना घर ठीक नहीं कर पाए लेकिन देश को सुधारने चले हैं। तो बिहार की कंट्रोवर्सी में कोई दम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है? देखिए, सुधार राज्य क्रिकेट संघ को खुद करना है। संघीय ढांचे में हर राज्य की एक भूमिका है, खेल संस्था को हमने मान्यता दी है, वो ठीक चलेगी तो आगे बढ़ेगी, खराब चलेगी तो बाहर हो जाएगी। अभी आपने एक कानूनी लड़ाई जीती हाई कोर्ट में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करवाया, क्वैश करवाया, ये नौबत क्यों आई, क्या मुद्दा है? देखिए, मुझे लगता है हम बहुत दूसरी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। खेल को खेल के रूप में देखना चाहिए, खेल के माध्यम से हम लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, मानसिक शारीरिक तौर पर मनोरंजन करते हैं, देश का नाम तिरंगा झंडा ऊंचा करके रखते हैं। अगर कहीं पर कोई कमी है उस पर सुधार किया जा सकता है। तो क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा था कि एंटी करप्शन में भी केसेस चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम में कहीं उलझा रहे हैं, यहाँ उलझा रहे हैं? देखिए, दुनिया भर में उदाहरण दिया जाता है धर्मशाला स्टेडियम का, हिमाचल का, लेकिन जहां पर प्रदेश सरकार की बात है वो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चौथा केस डालती है। किस लिए? काला खेल कानून बना दिया जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। सरकार जब खुद आधारभूत ढांचा नहीं बना पा रही तो कम से कम दूसरों को काम करने दो। अगर हमने प्रदेश की टीम को राष्ट्रीय विजेता बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय मैच करवा दिए, खिलाड़ी देश की टीम के लिए खिला दिए, तो अच्छा काम किया तभी किया है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, संस्था पर मुझे कंट्रोल करना है, तो मुझे लगता है राज्य सरकार के पास कई और क्षेत्र हैं काम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने पर नहीं जाना चाहिए। एक नागरिक के नाते क्या महसूस कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से यहाँ की सरकार ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैसा काम कर रही है? मैं मनाली में था प्रदेश कार्य समिति के लिए, माल रोड पर मुझे कम से कम 100-150 लोग मिले होंगे जो आए, फोटो खिंचवाई, बात की और कहा साहब मनाली तो बहुत खूबसूरत है, सड़कें बड़ी टूटी फूटी हैं, मिट्टी है, मिट्टी है, हिमाचल की सड़कों की बुरी हालत है। बताइए, सड़कें क्योंकि आपकी जीवन रेखा है और इसके माध्यम से लोग हिमाचल आते हैं, अगर आप उनका रख रखाव नहीं कर पा रहे, केंद्र का पैसा बगैर खर्च किए वापस चला जाता है, आधारभूत ढांचा आप नहीं बढ़ा पा रहे, नए टूरिज्म डेस्टिनेशन आप क्रिएट नहीं कर पा रहे, जो पिछली भाजपा की सरकार थी 85 अवार्ड उस समय मिले थे अच्छे काम के लिए, अब की सरकार को 3 अवार्ड नहीं मिल पाए हैं 3.5 सालों में, इसी से पता चलता है कि कितना अंतर आया है। वीरभद्र सिंह एज द चीफ मिनिस्टर, देखिए जो व्यक्ति केवल अपने केसेस के निपटारे के लिए सीबीआई और कोर्ट के चक्कर ही काटता रहे, जिनका मैनेजमेंट ही इसमें लगे कि कहाँ मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो केवल एक और भ्रष्टाचार और करेंगे मैनेजमेंट करने के लिए, और मैनेजमेंट करने के लिए समय व्यतीत करेंगे, तो जिस व्यक्ति के पास समय नहीं होगा तो सोच भी नहीं होगी, अगर सोच नहीं होगी तो प्रदेश पीछे रह जाएगा, तो हिमाचल पिछड़े हुए प्रदेशों में आना जल्दी शुरू हो जाएगा, जो कभी पहले और दूसरे दर्जे पर आता था आज वो सीधा 20वें पायदान पर आकर खड़ा है। 2017 के चुनाव को कैसे विजुलाइज कर रहे हैं? मुझे लगता है लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं, जब केंद्र में मोदी जी की सरकार ने दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली विकास दर 7.9% पर पहुंचाया, मात्र 6 महीनों में 21.74 करोड़ बैंक खाते खोलकर 14 करोड़ लोगों की पॉलिसीज भी कर दी और 37,000 करोड़ रुपये उसमें जमा भी हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मात्र 2% की प्रीमियम पर किसान अपना बीमा करवा सकते हैं,
ऐसी कई योजनाएं लाकर देश के लोगों का भला किया है, तो प्रदेश भी चाहता है, हिमाचल प्रदेश, कि यहां पर भी भाजपा की सरकार आए ताकि मोदी सरकार का लाभ यहां पर मिले। नितिन गडकरी जी हमारे प्रदेश में आए, मात्र दो दिन के दौरे में छोटे से हिमाचल प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें देकर गए, जो पिछले 68 वर्षों में किसी मंत्री ने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल के गांव गांव तक सड़कें पहुंचाई, 8 नेशनल हाईवे उस समय दिए, लेकिन नितिन गडकरी जी और मोदी जी ने तो कमाल हिमाचल में कर दिया है, लोग उनके आभारी हो गए हैं। और आप चुनाव आने दीजिए, एक तरफा मत यहां पर पड़ेगा। मैंने सुना था पहले कि भाजपा आपको मुख्यमंत्री फेस पेश करने जा रही है, लेकिन अब मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री ने धूमल साहब को बुला के एश्योर कर दिया द फेस, तो क्या पिताजी की मदद करेंगे चुनाव में? ये पार्टी के बड़े नेताओं को निर्णय लेना है। प्रधानमंत्री जी और धूमल जी कई वर्षों से लगातार काम करते रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं, अगर उनको कुछ राज्य अच्छा सपोर्ट करेंगे तो देखिए, अगर आप पिछली मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उनकी सरकार का ग्रोथ रेट था 5%, लेकिन भाजपा शासित राज्यों का ग्रोथ रेट था 10% से ज्यादा। अगर आज केंद्र की सरकार 7.9% पे है, GST आता है, आप 9% से ज्यादा बढ़ जाएंगे, बाकी राज्यों में भी भाजपा की सरकारें आती हैं वो 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट देती है, तो हिंदुस्तान 10% से ज्यादा विकास दर देगा। और चीन जैसे 30 वर्षों तक लगातार आगे बढ़ा, भारत मोदी जी के नेतृत्व में कई वर्षों तक आगे बढ़ेगा और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत बनेगा। अभी 2 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया है, आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नरेंद्र मोदी और एज गवर्नमेंट क्या रहा? दुनिया भर में भारत की छवि को बदलना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। मनमोहन सिंह जी के समय व्यक्तिगत छवि अच्छी हो सकती है, देश की छवि धूमिल हो गई थी। भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस और पैसा देकर भी काम नहीं होना, इस तरह की छवि थी। विकास थम गया था, रुक गया था। मोदी जी ने छवि को बदला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 42% की वृद्धि एक वर्ष के अंदर है। अब तो FDI के सेक्टर में और जो खोला गया, डिफेंस में भी और बाकियों में भी, उससे 1,000 करोड़ रुपए का निवेश और आएगा, रक्षा के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कई और क्षेत्रों में। आप मेरा विश्वास मानिए, जो मोदी जी ने गुजरात को में बदलाव करके दिखाया था, इन 5 वर्षों में जो अच्छे दिनों की बात हमने कही थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर वर्ग तक हमें इसको पहुंचाना है, विकास को। 5 वर्ष कुछ नहीं होते साहब इतने बड़े देश में। एक बड़े जहाज को मोड़ने के लिए भी आपको बहुत लंबा मोड़ लेना पड़ता है, और भारत जैसी अर्थव्यवस्था को और खड़ा करने के लिए आपको 5 वर्ष कम पड़ेंगे। लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, छवि बदल दी है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पारदर्शिता आई है, और जो हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, हमने दिया है, कोई घोटाला नहीं हुआ। और इससे बड़ी बात एक और, जो कांग्रेस के समय कोयला घोटाला हुआ, 240 खदानें उसको रद्द किया गया, हमने मात्र 72 कोयले की खदानें देकर 3.5 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में इकट्ठा किया। 2G स्पेक्ट्रम 76,000 करोड़ का घोटाला था, रद्द हुआ, हमने वापस स्पेक्ट्रम नीलामी की, 1,17,000 करोड़ मात्र 17 दिन में इकट्ठे किए, 4.5 लाख करोड़ देश के खजाने में आया। इससे पता चलता है कि देश के अंदर भी पैसा किया है। कोयले की खदानों में 41% वृद्धि उनकी आउटपुट में हुई है, देश से बाहर से जो कोयला आता था उस पर कमी हुई है, 26,000 करोड़ रुपये की बचत हुई। जो आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आपने जो खाते खोले उससे क्या लाभ हुआ? 46,000 करोड़ रुपया हमने जो बीच में से खा जाते थे घोस्ट कार्ड होल्डर्स, उसमें बचा है साहब। इसका लाभ किसको मिला? गरीब व्यक्ति को। मोदी जी ने कहा गिव इट अप, मैंने अपने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी, आपने भी छोड़ दी, वो 1 करोड़ लोगों ने छोड़ी, 1,000 करोड़ का लाभ मिला, मोदी जी ने अपने पास नहीं रखा। इस देश के आम आदमी को, महिलाओं को 5 करोड़ LPG के सिलेंडर मुफ्त में देने की बात कही तो मोदी सरकार ने की। इस सरकार का इंतजार सदियों से था, अब आई है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। विवेकानंद जी का सपना था भारत विश्वगुरु बने, एक नरेंद्र के सपने को दूसरा नरेंद्र पूरा करने जा रहा है। 21वीं शताब्दी भारत की होने वाली है। वाह, नरेंद्र मोदी इज ए फैंटेस्टिक लीडर, बट हाउ यू रेट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर और ए डिसीजन मेकर? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके कामकाज के तरीके से बहुत प्रभावित हूँ। वो देश के लिए समर्पित हैं कई वर्षों से, और जब ये पद उनको मिला है तो 2 वर्षों में एक छुट्टी ना लेना, एक दिन में 3-3 देशों में जाकर भारत की बात करना,
भारत को एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मिलाकर खड़ा करने की पूरी ताकत लगाना। देखिए, जो वही अमेरिका जो उनको आज से 2 वर्ष पहले वीजा देने के लिए आनाकानी करता था, आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ओबामा हाथ खोलकर बाहें फैलाकर गले लगाने के लिए मोदी जी को खड़ा होता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। जब 125 करोड़ देशवासी एक मत होकर पिछले 30 वर्षों में किसी एक सरकार को पूर्ण बहुमत दिया, तो देश बेचने वालों को नहीं, चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और उन्हें देश बेचने वालों से देश को बचाया भी है और देश का मान सम्मान भी बढ़ाया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। ग्रास रूट पे आप संगठन से जुड़े हैं, अमित शाह के करीबी भी हैं, करीब से देखा है। हाउ यू फाइंड हिम डिफरेंट एज ए पार्टी प्रेसिडेंट देन द प्रीवियस प्रेसिडेंट्स? देखिए ना, वो सोते ना सोने देते हैं। अमित शाह जी की कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा है और वो केवल कहने में विश्वास नहीं रखते, लागू करने में, जो मैंने कहा था इंप्लीमेंटेशन इज द की। हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी खासियत होती, विशेषता होती है। अमित शाह जी एक प्रैक्टिकल आदमी है। आप उनको केवल ओजस्वी भाषण देते हुए नहीं सुनेंगे, उनको अपने जो निर्णय उनको लागू कराने में कैसे लागू करवाना है, असम में सरकार बनाना, पश्चिम बंगाल केरल में वोट बैंक को बढ़ावा देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। 11 करोड़ लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये एक एक दिन में 30 राज्य के अध्यक्षों से लेकर जिला के अध्यक्षों को फोन करना और फीडबैक लेना, ये उसके कारण हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान चलाकर लाखों लोगों को प्रशिक्षित करना पार्टी की विचारधारा के अनुसार, ये कोई और नहीं कर सकता, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी कर सकती है। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का एक फेज आया, बहुत बड़े भाजपा को योगदान मिला, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी का आया, तो उसके बाद एक बार फिर मोदी जी और अमित शाह का ये नया दौर आया है जो भाजपा को बुलंदियों पर लेकर जाए। आसाम में एक नया चमत्कार हुआ, आपने चुनाव जीता लेकिन 12 क्षेत्रों में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवार जीते, तो क्या लगा, मुस्लिम मैंडेट व्यू माइंडसेट चेंज हो रहा है? देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके आलोचक आपकी छवि ऐसी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। 2009 से 2014 का पूरा डाटा निकाल कर देखिए, उस डाटा में आप देखेंगे कि भाजपा शासित राज्यों में कोई मुसलमान के खिलाफ कोई दंगा नहीं हुआ, कोई अल्पसंख्यक दुखी नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में, असम में जहां से प्रधानमंत्री चुनकर आते थे, वहां पर दंगे हुए, लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा, सरकार वहां पर फौज तक नहीं भेज पाई। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां दंगे हुए, मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश की सरकार यूपी में, वहां पर दंगे हुए, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अल्पसंख्यक अपने आप को भाजपा की सरकार में सुरक्षित महसूस करता है। कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यकों को, विशेष तौर पर मुसलमानों को, अपना वोट बैंक बनाकर रखा, इसलिए वो पिछड़े रह गए। हमने अर्थव्यवस्था को जब बढ़ाया, उस बढ़ती अर्थव्यवस्था में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लाभ मिला है। अर्थव्यवस्था जब बढ़ती तब ये नहीं देखती कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्या हो, वो अच्छा काम करने वाला आगे बढ़ जाता है। क्या लगा आसाम के बाद यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। और उत्तर प्रदेश के लोग जब एक बार मन बना लेते हैं, वो जानते हैं मोदी जी ने देश की छवि को बदला है, वहां से प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करना होगा और देश की गति, विकास की गति को और बढ़ाना होगा, तो उत्तर प्रदेश को उसमें शामिल करना होगा। उत्तर प्रदेश के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। तो मुद्दा क्या रहेगा? डेवलपमेंट। और उत्तर प्रदेश भाजपा के बिना अधूरा है। तो क्या रहेगा मुद्दा, डेवलपमेंट या हिंदुत्व, राम मंदिर एटसेट्रा? देखिए, विचारधारा पूरी दुनिया के सामने है, हमारे सामने नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। हम देश को प्राथमिकता देते हैं, अंतिम स्थान पर हम लोग हैं, लेकिन कांग्रेस परिवार को पहला स्थान देती, देश को सबसे पीछे रखती है। हमारे लिए विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्ता सेवा करना का माध्यम है हमारे लिए, सुख भोगने का नहीं। कांग्रेस ने सुख भोगा है,
का सेवा की होती तो आज चीन हमसे आगे नहीं होता, आज जर्मनी हमसे आगे नहीं होता, आज हम उनसे आगे खड़े होते हैं। 2019 का सीन कैसे विजुलाइज करें? इट विल बी बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। देखिए 2019 में बाकी सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होकर भाजपा को हराने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो ब्रांड मोदी इतना बड़ा है, जो आज देश का नहीं दुनिया का नेतृत्व के रूप में लोग उनको दुनिया के नेता के रूप में देखते हैं। अमेरिका में आप देखिए वहां की कांग्रेस 9 बार खड़े होकर तालियां मारकर उनका स्वागत करती है, ऑटोग्राफ लिए जाते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है 60,000 लोगों को मुझे एड्रेस करने का मौका मोदी जी के कारण मिल पा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब कोई भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आप सोचिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये कहता है तो क्यों कहता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जाकर जो विदेश में रहने वाला भारतीय है उसके स्वाभिमान को भी जगाया है, उसके कद को भी बढ़ाया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कहने पर मजबूर किया कि भविष्य में यहां पर भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारत की छवि बदली है साहब, केवल भारत की नहीं भारतीयों की, विदेश में रहने वालों की बदली है। हाउ यू हैव ए कॉमन एप्रिसिएशन फ्रॉम नरेंद्र मोदी अमित शाह बोथ पार्टी हर मुद्दे पे बोलने के लिए पार्लियामेंट में आपको खड़ा करती है, ये कॉमन कॉन्फिडेंस इज ए रेयर फिनोमेना। देखिए मुझे लगता है पिछली लोकसभा में जब 15वीं लोकसभा में सुषमा जी ने मुझे बहुत बोलने का अवसर उस समय भी दिया, युवाओं को उभारने का काम वो करते थे, हम उनसे बहुत कुछ सीखते थे। मैं विशेष तौर पर राज्यसभा में अरुण जेटली जी का और लोकसभा में सुषमा जी के भाषण सुनता था, उनके अध्ययन करता था कि किस तरह से बोलते हैं, क्या क्या उनके कंटेंट कहाँ से लाते हैं, इतना सब कुछ। और जब पार्टी आप पर एकदम से दायित्व डालती है, 16वीं लोकसभा शुरू हुई, कांग्रेस ने कहा महंगाई पर चर्चा करेंगे, वेंकैया जी ने एकदम से खड़े होकर बोल दिया हाँ जी अभी कर लीजिए, तो कांग्रेस ने पांव पीछे हटा लिए, भाग गई। अगले दिन चर्चा हुई लेकिन मुझे वेंकैया जी ने कहा तू बोलेगा भी अगर 15 मिनट बाद, मैंने कहा 15 मिनट बाद मैं बोलूंगा। तो वो विश्वास जो था उनका कि ये बोल सकता है, राष्ट्रपति अभिभाषण हो, काला धन हो, JNU का मुद्दा हो, कोई बड़ा विषय आया हो, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि 282 सांसदों में सदा चर्चा की शुरुआत करने का अवसर मिला तो एक कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। एक और विचित्र बात है कि BCCI से रिप्रेजेंट द ग्लैमर वर्ल्ड, लेकिन आप तो बंबई बहुत कम रहते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में पार्टियों में दिखते नहीं, हर समय हमीरपुर में, धर्मशाला में, हिमाचल में, तो आपका मन बंबई जाने को नहीं करता, यहीं रहते हैं? देखिए मुंबई में मेरा क्रिकेट हेडक्वार्टर है लेकिन मैं सुबह जाता हूँ और शाम को वापस आ जाता हूँ। आप विश्वास मानिए ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे पिछले 16 वर्षों में जब मैं यहाँ से रात की बस में बैठ कर गया, सुबह दिल्ली उतरा, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी 5 बजे, बॉम्बे मीटिंग टेंट की, शाम की फ्लाइट ली, रात की बस पकड़ के अगले दिन सुबह यहाँ पर हूँ। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग कहते हैं आप बॉम्बे गए भी थे कि वैसे ही आ गए हैं, क्योंकि उनके लिए मुंबई दूर है, लेकिन मुझे मेरा लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मैं पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ टेलीकॉम IT का, मुझे लगता है टेलीकॉम का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उपयोग क्रिकेट में भी किया जा सकता है। हर पल हर क्षण को आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने खेल प्रेमी तक कितनी जल्दी पहुंचा सकते हो, वो फैन तक वो जल्दी पहुंचाने का काम हम करने वाले हैं। आप अगले कुछ महीनों में देखेंगे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई क्रांति इस देश में लाने वाले हैं। क्रिकेट के जगत में टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति लाएगी और अपने क्रिकेट प्रेमियों को एक नई सौगात हम देने वाले हैं जो आने वाले महीनों में दिखेगा। आखिरी सवाल, आपको 21वीं सदी का प्रतीक माना जाता है, यूथ आइकॉन, पर सुना है कि आप भी ज्योतिष जादू टोने में यकीन करते हैं, आपके दाएं हाथ की 3 उंगलियों में एक जैसी अंगूठियां, अलग अलग अंगूठियां, ये क्या है, चर्चा का विषय रहता है देश में? मैं जादू टोने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं धार्मिक आदमी हूँ और मैं पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ, मेरे दिन की शुरुआत पूजा से होती है। मुझे लगता है जब आप वो कुछ क्षण ईश्वर के सामने बगैर कुछ मांगे बिताते हैं तो आपके अंदर एक जो नया उत्साह, एक नई ऊर्जा आती है, वही कुछ क्षण मुझे प्रतिदिन 18 से 20 घंटे काम करने का मौका देते हैं, महीने में 25 दिन सफ़र करने का मौका देते हैं और मल्टीटास्किंग, BCCI अध्यक्ष से लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन से लेकर अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर कई और संस्थाओं के अध्यक्ष रहते हुए काम करने का अगर मुझे कहीं से ऊर्जा मिलती है
तो सुबह के वो क्षण ईश्वर के सामने प्रार्थना करने से मिलते हैं. एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू सो मच. धन्यवाद आपको. जस्ट ब्रिलियंट. थैंक यू.